नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 25,920 नए मामले मिले हैं, जो कि बुधवार की तुलना में 4,837 कम है। इस दौरान 492 मरीजों की मौत भी हुई है, 66,254 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल पूरे देश में कोरोना के 2,92,092 एक्टिव केस है। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.07% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.76% है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.12% है। देश भर में अब तक 4,19,77,238 लोग रिकवर हो चुके हैं। पूरे देश में गुरुवार को 12,54,893 कोरोना टेस्ट हुए। आईटी कंपनियों में एट्रिशन रेट यानी कि नौकरी छोड़ने की दर 2 दशक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनियां अब बड़ी संख्या में भर्तियां कर रही है। इसमें फ्रेशर्स की मांग ज्यादा है। अगले महीने यानी मार्च तक आईटी कंपनियां 3.6 लाख फ्रेशर्स की नौकरी देंगी। कनाडा में जारी प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कनाडा की संसद में एक विधेयक भी लाया गया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या एनडीपी के नेता जगमीत सिंह के समर्थन वाले निजी सदस्यों के बिल ने भारत कनाडाई समुदाय को उग्र बना दिया है। पंजाब में चुनाव के बीच गरमाए भैया विवाद को लेकर असंतुष्ट कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कई ट्वीट कर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। तिवारी ने इस मामले की तुलना अमेरिका के अश्वेत या रंगभेद विवाद से की है। साल 2022 में अगर आप अपने लिए आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा कीमत देना पड़ सकता है। 2022 में घरों की कीमत में वृद्धि हो सकती है। ANAROC के कंज्यूमर सर्वे में भाग लेने वाले 56% ने माना है कि घरों के दाम बढ़ सकते हैं। यूक्रेन में रहने वाले बिहार के छात्रों का कहना है कि भारत सरकार के वतन लौटने के सुझाव के बाद वो उहापोह में है। शिक्षण संस्थान छात्रों से वापस नहीं लौटने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं विमान का किराया भी काफी बढ़ गया है। सामान्य दिन में 40,000 के आसपास मिलने वाला टिकट अभी 60,000 से 80,000 में मिल रहा है। पटना के कंकड़बाग के राकेश कुमार का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। उनका कहना है कि अभी वो नहीं लौटेंगे। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल इंडिया मिशन पर फोकस किया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की आर्थिक मदद करती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 25,000 रुपये प्रति माह और एक पक्की नौकरी दे रही है। समस्तीपुर मंडल स्तरीय संसदीय समिति की गुरुवार को समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बेगूसराय की रेल समस्या गूंजती रही। बैठक में उपस्थित राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा के प्रतिनिधि शंभू कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि राजीव वर्मा ने समस्तीपुर रेल मंडल में पड़ने वाले बेगूसराय जिले के सभी रेलवे स्टेशनों की समस्या को प्रमुखता से रखा। न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम उसका बचाव नहीं कर पाई है और इस हार के साथ ही उस सीरीज भी उसे गंवानी पड़ी है। शुक्रवार को खेले गए वनडे में भारतीय टीम ने एस मेघना, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 280 रनों की मजबूत लक्ष्य को रखा था, लेकिन टीम इसका बचाव नहीं कर पाई। ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार की जमानत अर्जी की सुनवाई को लेकर विशेष कोर्ट ने पुलिस से अद्यतन केस डायरी मांगी है। जमानत की अर्जी की सुनवाई विशेष कोर्ट निगरानी में चल रही है। अभियंता की तरफ से दाखिल जमानत के अर्जी पर पटना हाईकोर्ट से आए उनके एडवोकेट ने पक्ष रखा था। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक काजोल अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस बार वो किसी और वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल अब वो अपनी नई प्रॉपर्टी के जरिए अपने पति और एक्टर अजय देवगन को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उन्होंने 2 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिनकी कीमत सुनकर सभी लोग हैरान है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और कवि कुमार विश्वास ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने में लगी भी। इस दौरान अब केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव से पहले हमें हराने वाले सभी पार्टियां एक हो गई हैं। केरल में विपक्षी दल के सदस्यों ने राज्यपाल और सत्तारूढ़ दल के बीच अपवित्र गठबंधन का आरोप लगाया है। विपक्षी दल ने विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद विधानसभा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केरल के सत्ता के गलियारे में विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर भारी उठापटक देखने को मिल गई, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वरिष्ठ पत्रकार से नेता बने एक व्यक्ति की राजभवन में अहम पद पर नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लिखे गए पत्र पर गुरुवार को नाराजगी जताते हुए सरकार के नीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। आज भी देश मध्यम वर्ग अपने पैसों को LIC में निवेश करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें निवेश करने से ग्राहकों को दो फायदे मिलते हैं। पहला कि उन्हें LIC की पॉलिसी में निवेश करने पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसके साथ ही इसमें निवेश करने पर पैसे डूबने का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि यह मार्केट रिस्क पर निर्भर नहीं करता। ऐसे में लोग इसमें जमकर निवेश करते हैं। LIC अपने ग्राहकों को समय समय पर मैच्योरिटी क्लेम में नियमों के बदलाव के बारे में बताता रहता है। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग की है कि वो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए दोषों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करवाए। बजाज ऑटो ने गुरुवार को घोषणा की है कि कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत के 20 शहरों में सेल के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल ये 4 से 8 हफ्ते के वेटिंग पीरियड पर है। आपको बता दें कि बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अब दिल्ली, गोवा और मुंबई सहित 20 भारतीय शहरों में खरीदने के लिए उपलब्ध है, जबकि इच्छुक ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी यूनिट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। आधार कार्ड सिर्फ अपनी पहचान का प्रमाण ही नहीं बल्कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। आधार कार्ड का महत्व अन्य सभी दस्तावेजों की तुलना में सबसे ज्यादा है। आधार कार्ड में अपडेट कराना हो या फिर नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करना हो, इसके लिए हमें आधार केंद्र जाने की जरूरत पड़ती है। बता दें कि देश भर में UIDAI के 74 आधार सेवा केंद्र काम कर रहे हैं और इनके साथ ही 35,000 से ज्यादा अन्य आधार केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर राजस्थान से 92 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 3.8 का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह लगभग 8:01 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.8 थी। भूकंप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी ने कहा है कि भूकंपीय घटना का केंद्र जयपुर के उत्तर पश्चिम में 92 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबूधाबी के युवराज और UAE के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन आज डिजिटल माध्यम से शिखर बैठक करते देखे गए। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के साथ ही साझा हितों से संबंधित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते देखे गए। शुक्रवार को एक बार फिर से क्रिप्टो निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक दो डिजिटल मुद्राओं को छोड़ दें तो बिटकॉइन और इथेरियम समेत ज्यादातर करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत के फैसले से चीन नाखुश है। दरअसल भारत ने सोमवार को 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। इसमें से कुछ ऐप्स ऐसे भी शामिल हैं जो नाम बदलकर चीन ने फिर से भारत में रीलॉन्च किए थे। भारत सरकार के इस फैसले पर चीनी सरकार ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ऐप बैन कर भारत सरकार ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। चीन ने ऐप बैन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि इस कदम की घोषणा ऐसे समय में की गई जो भारत के विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा से लौटे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं हर बार कुछ वो नया लेकर जरूर आते हैं और फैंस के दिलों में छा जाते हैं। अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे का फैंस भी इंतजार कर रहे। अभी इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें अक्षय खूंखार लुक में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का अगर नया प्रयास रंग लाया तो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा का सफर 1 घंटे से भी कम हो जाएगा, जबकि नोएडा जाना भी बेहद आसान होगा। गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 72 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके बन जाने से दोनों एयरपोर्ट के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी होगी, जबकि प्रस्ताव के तहत जेवर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 13 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। युवा भारतीय ऑलराउंडर दीपक चाहर के दूसरे T20 में खेलने से चूकने की संभावना है। शुरुआती T20 में क्षेत्र रक्षण करते समय चाहर के हाथ में चोट लग गई थी और उन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें शामिल करने पर अंतिम निर्णय केवल दूसरे T20 शुरू होने से पहले लिया जाएगा। अगर चाहर को मैच के लिए हरी झंडी नहीं मिली तो रोहित शर्मा आवेश खान को डेब्यू कैप सौंप सकते हैं। चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ मिला है। लालू को अपना समर्थन देते हुए प्रियंका ने कहा कि भाजपा की राजनीति की विशेषता यही है कि जो लोग पार्टी के सामने नहीं झुकते हैं वो उत्पीड़न का सामना करते हैं। भारतीय विमानन नियामक ने शुक्रवार को कहा है कि जनवरी में लगभग 64.08 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो दिसंबर में यात्रा करने वाले 1.12 करोड़ लोगों की तुलना में 43% कम है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपने मासिक बयान में कहा है कि यात्री भार कारक दिसंबर को तुलना में जनवरी में सभी भारतीय एयरलाइंस के लिए घट गया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने एक ट्वीट कर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना जर्मनी के शासक और तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कर दी थी।
पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के निगाहें यूक्रेन रूस बॉर्डर पर लगी हुई है। दोनों देश के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस जंग का जोखिम सिर्फ पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका और भारत तक इसकी आंच में झुलसने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा यहां की संसद में दिए गए बयान को लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा उस देश के राजनयिक को तलब करना शोभा नहीं देता और यह सीखने की जरूरत है कि हर बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने रियलिटी कंपनियों के शेयरों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि अन्य बड़ी कंपनियों की तुलना में रियलिटी कंपनियों के शेयर काफी कम रिटर्न देते हैं, इसलिए इन कंपनियों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए। रेयर इंटरप्राइजेस के प्रमोटर राकेश झुनझुनवाला एक नई विमानन कंपनी अकासा एयर शुरू करने जा रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनू कुमार, राजेश भाई, निशा कुमारी, मनीषा कुमारी, चंद्रदीप यादव, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, मोहसिन आलम, सनी मिराज, संतोष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आने वाली कौन सी फिल्म का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।